अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम लाइव वायर इनसाइट के साथ मैं हूं आपका होस्ट तारिक खान जावेद। आज हम बात करेंगे इन्फ्लेशन एंड स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान पे। इसमें हम ये जानना चाहेंगे कि जो इस वक्त महंगाई इस कदर है, उसमें स्टेट बैंक का क्या रोल है, क्या स्टेट बैंक के एक्शन से महंगाई बढ़ती है या एक इसका इन दोनों इशूज़ से कोई ताल्लुक़ नहीं है। इस अहम मौजू पे बात करने के लिए मैंने दो एक्सपर्ट्स को दावत दी है। आइए पहले मैं तारुफ कराता हूँ, फिर हम आगे बात करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है शौकत खान जावेद साहब, एक्स मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, एमबीए पुराने हैं, बहुत बड़े एनालिस्ट हैं। इनके साथ ही हम कॉल पे बात करेंगे डॉक्टर महर अयूब साहब से, जो इस वक्त इस्लामाबाद में हैं। शौकत साहब, थोड़ी सी बात मैं बताना चाहता हूँ जो मैंने स्टडी की, उसके बाद आप लोगों से मैं राय लूँगा। जो मैंने अब तक पता किया है वो ये है कि इस वक्त जो है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने तकरीबन 1500 बिलियन नोट गवर्नमेंट को कर्ज़े की सूरत में दिया हुआ है, और पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा ये हुआ है कि दिसंबर 2010 में स्टेट बैंक के गवर्नर ने पब्लिकली आके इस बात की शिकायत की है, और इस तरह से आवाम की राय लेना चाहिए, आवाम की सपोर्ट लेना चाहिए कि स्टेट बैंक के मर्ज़ी के बरखिलाफ़ हुकूमत ने उनसे 1500 बिलियन नोट कर्ज़े की सूरत में ले लिया है। और उन्होंने पहली दफ़ा ये भी एडमिट किया कि ये बहुत बड़ा फैक्टर है महंगाई का। अक्सर हम देखते हैं कि पहले के तमाम गवर्नर्स इस बात को डिस्काउंट करते रहे, डिनाई करते रहे कि स्टेट बैंक के नोट छापने से महंगाई का ताल्लुक है। ये स्टेट बैंक को इस्तेमाल हुकूमत करती है एज ए ईजी सोर्स ऑफ फाइनेंस, जबकि वो टैक्स कलेक्शन में काफ़ी कमज़ोर है, लेकिन इस बात को वो छुपाने की कोशिश करते थे। लेकिन ये जो कारदार साहब हैं, इन्होंने इस बात को पब्लिकली ओपन कर दिया है। लेकिन कारदार साहब ने गवर्नमेंट को फिर भी छुपाने के लिए एक और बात कही जो कि मेरे ख्याल में गैर ज़रूरी थी, अनप्रोफेशनल है, वो ये कि अगर स्टेट बैंक गवर्नमेंट को नोट छाप के ना दे तो फिर ये नोट जो है वो गवर्नमेंट मजबूर होगी कमर्शियल बैंक से लोन लेने पर, और उससे भी महंगाई होगी। ये बात बिल्कुल गलत है। तमाम एक्सपर्ट्स दुनिया के जानते हैं कि जब कमर्शियल बैंक से गवर्नमेंट कर्ज़ा लेती है तो वो किसी की सेविंग के बरखिलाफ़ होता है, यानी परचेजिंग पावर रिप्लेस होता है, शिफ्ट होता है फ्रॉम ए सेवर टू द गवर्नमेंट। उससे एडिशनल परचेजिंग पावर नहीं आती मार्केट में, उससे इन्फ्लेशन नहीं होता। इन्फ्लेशन सिर्फ उस वक्त होता है जब किसी वजह से एक्स्ट्रा परचेजिंग पावर मार्केट में आए, जो अमूमन नोट छापने की वजह से होता है। ये जो दो बातें स्टेट बैंक के गवर्नर ने कही हैं, एक खुश आइन इस लिहाज से हैं कि एटलीस्ट नेशनल डिबेट अब इस पर शुरू हो सकता है, हम लोग इस पर बात कर सकते हैं, हम लोग अपने स्टेट बैंक के गवर्नर को उसी तरह इम्पावर कर सकते हैं जैसे कि हमने अपने चीफ जस्टिस को किया है। इसके लिए शायद हमें स्ट्रीट पर भी निकलने की ज़रूरत पड़े, लेकिन फ़िलहाल हम जो कम से कम इतना तो करें कि हम स्टेट बैंक के गवर्नर को बैकअप करें कि प्लीज़ आप शिकायत ही ना करें बल्कि आप एक्शन भी लें और मज़ीद नोट ना छापें, क्योंकि गुरबत इस तरह तेज़ी से बढ़ रही है कि इस मुल्क में सिविल वॉर तक के होने का ख़तरा बढ़ता जा रहा है। शौकत साहब, आपकी तरफ आता हूँ। ये जो स्टेट बैंक के गवर्नर ने दिसंबर 2010 में पहली दफ़ा, मेरे ख्याल में 63 ईयर्स की हिस्ट्री पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफ़ा स्टेट बैंक के गवर्नर ने इस चीज़ को पब्लिक किया है, इसको आप कैसा देखते हैं और इसके इनके दो बयानात को आप किस तरह से देखते हैं? बाल तक साहब, जबकि मुल्क के अंदर जीडीपी ग्रोथ 2.4 के ऊपर टच कर रही हो, तो स्टेट बैंक के गवर्नर को अलार्मिंग सिचुएशन से आगाह करना नहायत ही ज़रूरी है। और उन्होंने सही काम किया, अप्रिशिएट करना चाहिए कि उन्होंने कम से कम पहली दफ़ा इस बात को एडमिट किया कि गवर्नमेंट ये कर रही है, हम इसलिए गवर्नमेंट को बोल रहे हैं मगर गवर्नमेंट सुन नहीं रही है। छापते जाओ नहीं तो मैं कमर्शियल, जैसे कि उन्होंने कहा कि मैं कमर्शियल बैंक से लूँगा, बहरहाल वो कमर्शियल बैंक से पहले ले सकते तो स्टेट बैंक को क्यों बोलते, इसीलिए क्योंकि दैट इज इजी वे ऑफ कमर्शियल बैंक विल आल्सो कॉस्ट मनी, स्टेट बैंक विल कॉस्ट नथिंग, इसीलिए वो स्टेट बैंक को कर रहे थे। अब स्टेट बैंक ने बोला कि मना किया तो अब जाना पड़ा, दे माइट गो टू कमर्शियल बैंक, दे हैव टू गो टू कमर्शियल बैंक, इसमें कोई दो राय हो नहीं सकती। ये इस तरह की है जो डिस्कशन हम कर रहे हैं और पब्लिक को अवेयर करने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए असल कॉज जो है ये मनी सप्लाई है, और अब आपके स्टेट बैंक भी कह रहा है खुल के, तो पब्लिक का सपोर्ट आना चाहिए स्टेट बैंक गवर्नर को
कि ठीक है आपकी जॉब की हम हिफाजत करेंगे, आप ये गवर्नमेंट को डिनाई करें ताकि ये जो प्रेशर लोगों पे आ रहा है वो किसी तरह कम हो सके। देखिए स्टेट्यूटरी पावर तो स्टेट बैंक के गवर्नर के पास है जो कि असेंबली ने उसको दिया है, अब वो एक्सरसाइज मगर फुल एम्पावरमेंट एम्पावरमेंट तो है लेकिन वो ऑटोनॉमी नहीं है। ऑटोनॉमी नहीं हो मगर उनको एज ए होल असेंबली ने उनको ये अख्तियार दिया हुआ है कि भाई के जो एक्ट आया एक्ट 210 के एक्ट के तहत तो उनको ये पावर तो है ना कि आप मिसमैनेजमेंट ना करें। देखिए ना अगर कोई मिसमैनेजमेंट करेगा अपने पोजीशन पे बैठ करके तो ही हैज टू बी अकाउंटेबल फॉर दैट। उससे ही इज अ सर्वेंट ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान, नॉट सर्वेंट ऑफ द प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर। ही इज अ सर्वेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, नॉट द गवर्नमेंट ऑफ ये माने ऑफ द स्टेट स्टेट ऑफ पाकिस्तान, स्टेट ऑफ पाकिस्तान नॉट द गवर्नमेंट द रूलिंग गवर्नमेंट। तो बहरहाल उन्होंने जो काम किया वो अच्छा किया, उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, राधर उनको इनक्रेज करना चाहिए कि इन फ्यूचर में भी ऐसी कोई बात हो तो आप हाईलाइट करें बताएं। और हर महीने हर साल आप बताते रहे कि अब नोट इतना था अब इतना हो गया और इस वजह से हो गया, ताकि जैसे दुनिया भर में होता है ताकि उनको हम सपोर्ट कर सकें कि अब कम हो रहा है या बढ़ रहा है। शो साहब डॉक्टर मेहर आ गए हैं लाइन पे, ज़रा उनसे भी हम ले लेते हैं इनपुट, उसके बाद हम आगे कंटिन्यू करेंगे। डॉक्टर साहब सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब ये आपने हमारी डिस्कशन उम्मीद करता हूँ सुनी होगी जी, कि जो हम बात कर रहे हैं स्टेट बैंक के दो स्टेटमेंट्स पे, एक तो है कि जी उन्होंने कहा पब्लिकली के वी आर बीइंग फोर्स्ड टू प्रिंट नोट्स एंड वी डोंट वांट टू डू दैट, और ये इज़ ए कॉज फॉर इन्फ्लेशन, डायरेक्ट लिंकिंग ऑफ इन्फ्लेशन टू द प्रिंटिंग ऑफ नोट्स। सही बात है। जो है बड़ी अच्छी बात है, बड़ी खुशाइन बात है हमारे ख्याल में। और दूसरी जो उन्होंने कहा कि जब हम कमर्शियल बैंक से भी बोरो कर लेंगे गवर्नमेंट करेगी तब भी इन्फ्लेशन होगा, इन दोनों पे अपनी पहली राय दे दें फिर हम मजीद आगे बात करते हैं। मैं पहले एक बात क्लियर कर दूं, अभी जिस तरह आपके प्रोग्राम में डिस्कशन हो रही थी, देखें एक लीगल रिक्वायरमेंट है स्टेट बैंक के लिए जरूरी है कि ये जिस तरह होता है कि साल के आखिर में बैलेंस शीट दी जाती है, इसी तरह एक इनके लिए लीगल रिक्वायरमेंट है कि हर आफ्टर एवरी थ्री मंथ इनको तमाम नेशनल जो न्यूज पेपर्स हैं उनमें पब्लिकली इनको पोजीशन स्टेटमेंट छापनी होती है हर तीन महीने बाद, और उस पोजीशन स्टेटमेंट में इनको मेंशन करना होता है कि कितनी इस वक्त करेंसी जो है मुल्क में है यानी लायबिलिटी साइड पर, और कितने फॉरेन एक्सचेंज की वजह से बढ़ी है, कितने गवर्नमेंट के जो पेपर्स हैं उनकी वजह से ये करेंसी बढ़ी है, और कितने गोल्ड एंड रिजर्व के जो स्टॉक्स हैं उनकी वजह से ये इंक्रीज हुई है। ये तीनों रीजन के साथ इनको करेंसी की सर्कुलेशन मुल्क में कितनी है हर तीन महीने के बाद देना होता है। ये प्रैक्टिस आज से नहीं, ये शुरू से ये प्रैक्टिस चली आ रही है, ये इनके लिए लीगल रिक्वायरमेंट है, ये इश्तिहार की शक्ल में दें या प्रेस रिलीज की शक्ल में दें। तो ये कहना कि ये पब्लिक को बताया जा रहा है ये तो लीगल रिक्वायरमेंट है और आज से नहीं, ये तो हमेशा से है, ये तो हमेशा से बताया जाता है और पब्लिक को बताया जाना चाहिए। डॉक्टर साहब मेरे सामने एक लीडिंग न्यूज़पेपर की पूरी फर्स्ट पेज है, दिस इज डेटेड 30 जनवरी जिसमें डॉक्टर साहब ये करदार साहब की तस्वीर भी है, इसमें फिगर्स लगे हुए हैं लेकिन मैंने इसको दो दफा पढ़ने की कोशिश की, आई कुड नॉट अंडरस्टैंड व्हाट दे वर ट्राइंग टू से। इनको पूरी बैलेंस शीट छापनी होती है, बैलेंस शीट की तरह जो पोजीशन स्टेटमेंट होती है, यानी पोजीशन स्टेटमेंट और बैलेंस शीट में फर्क यह है कि बैलेंस शीट पूरे साल के आखिर में डिटेल देती है और पोजीशन स्टेटमेंट जो है वो दरमियान में साल के दरमियान में भी डिटेल दी जा सकती है। तो इनको हर तीन महीने बाद वो पूरी डेबिट और क्रेडिट साइड डिटेल वाइज देनी होती है, ये रिक्वायरमेंट है, अगर ये नहीं दे रहे तो ये गलत कर रहे हैं, ये तो लीगल मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है। डॉक्टर साहब ये तो पब्लिकली नोन फिगर्स हैं कि 700 बिलियन कर्जा होता था जब IMF के पास हम गए थे नवंबर 2008 में जी, और ये बात अंडरस्टूड थी कि ये जो है हम इसको ज़ाहिर स्टेट IMF को हमने कमिटमेंट की थी कि हम ये कर्जे वापस किए जाएंगे, और मार्च 2009 में ये कर्जे 700 से घट के 350 बिलियन पे आए। उसके बाद से जो कारदार साहब का बयान आया दिसंबर में कि जी 1500 बिलियन नोट हो गए हैं, दैट मीन्स के 350 से 1500 पे इस पीरियड में बढ़ता चला गया। इसी दौरान हमने देखा कि हमारे फाइनेंस मिनिस्टर साहब चले गए, और पहले के जो गवर्नर साहब रजा साहब चले गए, फाइनेंस मिनिस्टर ने रिज़ाइन करने के कुछ दिन बाद 1200 बिलियन का जिक्र तो किया, कई दफ़ा हिंट दिया, लेकिन जो जैसे आप कह रहे हैं कि इनकी रिक्वायरमेंट थी कि हर तीन महीने पे आके बताते कि अब बढ़ के इतना हो गया, अब बढ़ के इतना हो गया,
और असल टारगेट ये था IMF के तहत कि ये कम होना चाहिए था, तो जी ये तो नहीं किया जा रहा है, यहाँ कंफ्यूज किया जा रहा है पब्लिक को, यहाँ कंफ्यूज किया जा रहा है। और ये मैं समझ रहा हूँ कि ये हमेशा बड़े क्लियरली ये स्टेटमेंट अखबारों में आती थी, लीडिंग न्यूज़पेपर में, लेकिन गुज़श्ता एक साल से ये कहीं इस तरह की जिस फॉर्म में आनी चाहिए उस तरह से नहीं आ रही। खबरों में कहीं ना कहीं छोटी सी ये खबर जरूर लगी होती है कि इतने हो गए, लेकिन ये पूरी डिटेल के साथ ये मेंशन नहीं की जा रही। सिर्फ एक जगह ये मेंशन हो रही है जो कि पब्लिक डॉक्यूमेंट तो नहीं है, वो है कि स्टेट बैंक जो अपनी क्वार्टरली रिपोर्ट पब्लिश करता है उसमें बहरहाल ये डिटेल दी होती है, लेकिन वो क्वार्टरली रिपोर्ट पहली बात तो ये कि कितने लोगों उसको पढ़ सकते हैं, कितने लोगों तक एक्सेस है और कितने लोग उसको समझ सकते हैं, तो वो एक डिफरेंट चीज़ है। लेकिन पब्लिकली न्यूज़पेपर में बहरहाल ये उस तरह से नहीं दिया जा रहा इस तरह पहले दिया जाता था। सब ये जो जनवरी के जो है उसमें एक जगह पे लिखा हुआ है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान बोरोइंग फ्रॉम स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान टू बी बिलो द एंड स्टॉक ऑफ 12 रुपीज 1290 बिलियन, यानी 1300 बिलियन की बात करें, विच वॉज ए सेप्टेम्बर पोजिशन। इससे ये क्लियर नहीं हो रहा कि वट इज द पोजिशन ऑफ जनवरी, ठीक है, द आइडियल और द गोल इज टू गो डाउन टू सेप्टेम्बर पोजिशन, वो भी होनी चाहिए। और ये जो बड़ी है असल बात जिसकी तरफ मैं जो फोकस करना चाह रहा हूँ वो ये कि ये जो एडिशन हुआ है, जो चेंज आया है मनी के कॉजेटिव फैक्टर्स उसके बताने चाहिए, जिसमें ये कितना फॉरेन एक्सचेंज आया है, कितने गवर्नमेंट को पैसे गए हैं, कितने गोल्ड एंड रिजर्व के स्टॉक इंक्रीज हुए हैं, वो डिटेल चाहिए असल। उस डिटेल में फिर मालूम होता है। और ये जो क्लियरली है न्यूज़पेपर बहरहाल इसको डिस्कस भी करते रहे हैं कि ये जो जितनी करेंसी आ रही है ये गवर्नमेंट की तरफ जा रही है, ये करेंसी का जो मैंने जो स्टेट बैंक का स्टेटमेंट मेरे पास जो आखिरी मैंने प्रिंट आउट देखा है जुलाई 2010 का, उसमें तकरीबन 1200 बिलियन जो थी गवर्नमेंट को दिया हुआ था इंक्लूडिंग कमोडिटी ऑपरेशन, और बाकी जो थी ना वो नॉर्मल करेंसी इन सर्कुलेशन थी। तो टोटल उस जमाने में 1300 बिलियन नोट दिखाए गए थे जिसमें से 1200 गवर्नमेंट को दिए गए थे। अब इससे अंदाजा कर लें कि अगर 1300 में से 1200 गवर्नमेंट के लिए गए हैं तो इसका मतलब है कि हमारी करेंसी की जो वैल्यू है वो जो है जो लिखी होती है वो 8% बनती है, यानी कि अगर मैं 1/13 इसको करें तो बाकी जो वैल्यू है वो तो आर्टिफिशियल वैल्यू है, वो तो गवर्नमेंट की तरफ जा रही है, उसके अगेंस्ट तो ना फॉरेन एक्सचेंज रखे हुए हैं ना गोल्ड एंड सिल्वर के स्टॉक्स रखे हुए हैं, वो तो गवर्नमेंट की तरफ जा रही है बेसिकली सारी पेमेंट, और गवर्नमेंट की तरफ जा रही है तो ये सिर्फ मैं समझ रहा हूँ एक एक्सपेंशन इन मनी है, ये डायरेक्टली हिट करेगी इन्फ्लेशन को और इस ये बिल्कुल डायरेक्ट एक कॉज बनती है इन्फ्लेशन। डॉक्टर साहब इसका मतलब है आप जो मॉनिटरी पॉइंट ऑफ व्यू है कि देयर कैन बी नो इन्फ्लेशन विदाउट एक्सपेंशन ऑफ मनी को मानते हैं? नहीं, इन्फ्लेशन के नहीं, देखिए इन्फ्लेशन के जो रीजंस होते हैं, जो मुख्तलिफ रीजंस होते हैं, उसमें से एक बहुत स्ट्रॉन्ग रीजन जो होता है वो मॉनेटरी एक्सपेंशन होता है। अच्छा, उनमें से एक बहुत स्ट्रॉन्ग रीजन, तो इस ऑब्वियसली कुछ और रीजन भी हैं इसके, उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। अगर किसी चीज की मार्केट में शॉर्टेज ही क्रिएट हो जाए, वो चीज अवेलेबल ही ना हो, तो मॉनेटरी पॉलिसी का वहाँ पे रोल नहीं रहता, वहाँ वो तो चीज पर जब शॉर्टेज हो गई है तो नॉर्मल इंसेंटिव प्राइस इंक्रीज होती है। हाँ, उसकी ताकि वो चीज की प्रोडक्शन आइंदा बढ़ जाए, लेकिन मसला तो ये सिर्फ ये है मॉनेटरी पॉलिसी को हम जो कंसीडर करते हैं वो ये है कि चीज की अवेलेबिलिटी हो या ना इन अवेलेबिलिटी हो। नाज़रीन, डॉक्टर साहब की कॉल ड्रॉप हो गई। जैसा कि आपने सुना डॉक्टर मेहर के भी व्यू ये है कि वन ऑफ द मेजर कॉज ऑफ इन्फ्लेशन इज मनी सप्लाई, और ये जैसा कि उन्होंने कहा कि इतनी ज़्यादा जो मनी सप्लाई आ गई है, जहाँ पे 100 बिलियन होना चाहिए था वहाँ पे तकरीबन 1300 बिलियन थी जुलाई 2010 में, और अब तो शायद वो 1600 बिलियन पे पहुँच गई है। और जुलाई से अगर आप देखें कि नवंबर तक की अगर पोजीशन गवर्नर साहब ने दी थी 1500 बिलियन की, तो तकरीबन 300 बिलियन नोट जो है ना 5 महीने पर छपे, यानी कि रोज़ाना 200 बिलियन नोट छपते रहे, और उससे हर पाकिस्तानी की पॉकेट से रोज़ाना 11 रुपये 70 पैसे निकलते रहे हैं। इससे गुर्बत नहीं बढ़ेगी तो क्या होगा, ये फैसला करना बहुत आसान है। इसी के साथ हम लेंगे एक ब्रेक, ब्रेक के बाद फिर हम हाजिर होते हैं।